और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने शौचालय के बारे में बात शुरू की थी, आज हम चर्चा करेंगे आखिर कब भारत के घरों में शौचालय का निर्माण होना आरंभ हुआ। उत्तर पश्चिम से आए मुगल लुटेरों के भारत में आने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में घरों में शौचालय का निर्माण मजबूरी हो गई थी। अतः भारत के मूल निवासियों को अपने परिवार की स्त्रियों के बाहर जाने पर पाबंदी, घरों पर पर्दा और घरों के अंदर शौचालय बनाने की मजबूरी हो गई। समय की जरूरत को देखते हुए शास्त्रकारों ने, सुधीजनों ने और विषय के मर्मज्ञों ने घर के अंदर शौचालय बनाने के स्थानों को चिन्हित किया और कालक्रम में ये ज्ञान विकसित हुआ। कुछ ग्रंथों से शौचालय के लिए निर्देश लिए गए, जैसे सुप्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ मंत्र महारणों में साधक के लिए निर्देश है कि प्रातर उत्थाय ग्रामे नैऋत्य दक्षेद दक्षेद शिरौ वस्त्र वस्त्रम आच्छादाय मलमूत्र विसर्जयेत, यानी प्रातः उत्थाय प्रातर उत्थाय ग्रामे नैऋत्य गच्छेत, गांव के नैऋत्य दिशा में गच्छेत जाना चाहिए, शिरौ सिर पर वस्त्रम आच्छादाय सिर पर वस्त्र सिर को वस्त्र से ढककर तब मलमूत्र का विसर्जन करना चाहिए, यानी सुबह के समय उठकर गांव के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर सिर को कपड़े से ढककर दीर्घ या लघु शंका का निवारण करना चाहिए। कल हम शौचालय की दिशा के बारे में आगे बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।